आज किस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप टीईसी का असाइसमेंट एग्जाम क्लियर कैसे करेंगे। देखिए टीईसी का असाइसमेंट एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको 10 मॉड्यूल दिए जाते हैं, उसके बाद कम से कम उसमें से 6-6 मार्क्स लाना आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अगर उससे कम भी मार्क्स आता है तो आप लाइव एग्जाम दे सकते हैं। क्या होता है ना कि जब हम अच्छे मार्क्स से कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा सहायता होता है नेक्स्ट एग्जाम देने में, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन और आंसर मालूम रहता है, तब जाकर के हमको नेक्स्ट एग्जाम जब भी देते हैं तो हम उसमें क्रैक कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स उसमें भी आते हैं। इसी तरीका होता है टीईसी एग्जाम में। अगर टीईसी एग्जाम में जो होता है असाइसमेंट उसको आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे देते हैं, कम से कम 70-75 नंबर ले आते हैं, तो टीईसी लाइव एग्जाम देने में भी आपको कोई इशू नहीं होता है। एक बार में ही टीईसी लाइव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। बहुत ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टीईसी असाइसमेंट एग्जाम का क्वेश्चन आंसर नहीं मालूम होता है, क्वेश्चन आंसर कैसे वो तैयारी करेंगे और उसके बाद इसका आंसर शीट कहां से मिलेगा, इस वीडियो में मैं डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं कि टीईसी का असाइसमेंट एग्जाम और टीईसी लाइव एग्जाम का क्वेश्चन आंसर आपको कैसे तैयारी करना है। टीईसी का जो असाइसमेंट एग्जाम हो तो वो जो मैं क्वालिफाई किया था उसका मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो आप देख करके और उसका क्वेश्चन आंसर देख करके आप समझ सकते हैं और उसका तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ और सभी प्रोसेस दिखा देता हूँ। मेरा नाम एमडी नूर आलम है और आप देख रहे हैं NBCI यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए वाले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।